नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट वो नेता हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। और इसी कोशिश में सचिन पायलट ने जनता जनार्दन की सहानुभूति बटोरने के लिए गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना पायलट ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास ना ही तो अब फिशिंग चीफ की गद्दी रही और ना ही डिप्टी सीएम की गद्दी रही। ऐसे में अकेले विधायकी के तौर पर अब सचिन पायलट ने जनता जनार्दन में पहुंच करके गहलोत सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। कभी अशोक गहलोत के रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाते हैं, कभी एमबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, कभी किसान कर्ज माफी को लेकर के जनता की सहानुभूति बटोर रहे हैं, तो कभी 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर के युवाओं की सहानुभूति भी पायलट बटोर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब गहलोत सरकार को घेरने का काम पायलट और पायलट कैंप ने शुरू कर दिया है। पायलट कैंप के कई विधायक, जिनमें से मुख्य नाम हेमाराम चौधरी का है, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि विधानसभा चुनाव जिनके चेहरे पर लड़ा गया था, सीएम गद्दी तो उन्हें सौंपनी ही पड़ेगी। ऐसे में अब सचिन पायलट कैंप खुल करके अशोक गहलोत के खिलाफ आया, तो अब अशोक गहलोत भी पूरी तरह से बौखला गए। और अशोक गहलोत ने जिला प्रभारियों की जब नियुक्ति की, तो उसमें पायलट कैंप को ना के बराबर जगह दी गई, और साथ में पायलट कैंप के विरोधियों को ही उनके जो गृह जिले हैं वहां पर नियुक्ति प्रभारी बना दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब अशोक गहलोत भी सचिन पायलट और पायलट कैंप के विधायकों को राजस्थान कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। अब सचिन पायलट को मजबूर कर रहे हैं कि वो राजस्थान कांग्रेस को छोड़ दे, चाहे वो अपनी खुद की पार्टी बनाए या फिर बीजेपी में चले जाए, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में अब सचिन पायलट के लिए कोई जगह नहीं रही है। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सियासी ड्रामा हुआ था, तो उस दौरान अशोक गहलोत ने मीडिया में आकर के इस पायलट को लेकर के एक बयान दिया था कि सचिन पायलट अक्सर कहते रहते हैं कि वो सत्ता में बैंगन बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्यों उन्होंने पिछली चीफ की गद्दी और सीएम डिप्टी सीएम की गद्दी को ठोकर मार दी थी, इसके कई कारण हैं। इतिहास गवाह है कि जो अब तक उप प्रधानमंत्री रहा है या फिर उप मुख्यमंत्री रहा है, वो कभी भी ना ही तो प्रधानमंत्री बन पाया और ना ही मुख्यमंत्री बन पाया। लेकिन सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए सक्रिय हैं, और इसी कारण सचिन पायलट ने इस उप मुख्यमंत्री और पिछली चीफ की गद्दी को लात मार दी थी। कुल मिलाकर के सचिन पायलट के इरादे साफ हैं कि सीएम गद्दी मिलेगी तो ही राजस्थान कांग्रेस में गहलोत को बर्दाश्त किया जाएगा, वरना नहीं। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के इरादे भी साफ हो चुके हैं कि सीएम गद्दी पर या तो वो खुद बैठेंगे या फिर उनके बेटे वैभव गहलोत बैठेंगे। सचिन पायलट को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से सचिन पायलट के खिलाफ कई तरह की साजिशें अशोक गहलोत ने रच ली थी, उन्हीं साजिशों से बचने के लिए सचिन पायलट ने गहलोत सरकार से बगावत की थी और अपने कैंप के सभी विधायकों के साथ उन्होंने मानेसर में डेरा डाल लिया था। जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मनमुटाव बढ़ा है, उसके बाद ये तो तय हो चुका है कि अब अशोक गहलोत सरकार गिनती के दिनों की रह गई है, क्योंकि सचिन पायलट ने वापसी भी अपने सैनिकों की बढ़ोतरी के लिए ही की है। जिस दिन सचिन पायलट के सैनिकों की संख्या 30 से 35 के बीच होती है, उस दिन अशोक गहलोत को एक तगड़ा झटका देंगे। लेकिन इसको लेकर के आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर वसुंधरा राजे सिंधिया और सचिन पायलट कोई नया एक तरह से प्लान तैयार करेंगे। जी हां दोस्तों, पायलट कैंप को लेकर के अब कई तरह के क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। पायलट कैंप को लेकर के अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर अशोक गहलोत को ठोकर मार करके अब पायलट कैंप बीजेपी में शामिल हो सकता है। इस तरह की खबरें अब राजनीतिक गलियारों से निकलना शुरू हो चुकी है। और सचिन पायलट ने वैसे भी 150 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच करके जनता जनार्दन की सहानुभूति बटोरने का प्रोग्राम तो तैयार कर ही लिया है। जिस तरह से सचिन पायलट का दौरा है पूरे 150 विधानसभा क्षेत्रों में, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि सचिन पायलट के समर्थक कितने हैं और अशोक गहलोत के समर्थक कितने हैं। जिस तरह से सचिन पायलट को घेरने के लिए और सचिन पायलट पर नजर रखने के लिए रघु शर्मा को टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया है गहलोत की तरफ से, उसके बाद रघु शर्मा का विरोध टोंक में बढ़ गया है। इसके अलावा सचिन पायलट की एक तरह से पेट भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उन्हें विधायकी
उनसे कोई छीन नहीं सकता और अन्य उनके पास कोई पद नहीं है, इसलिए अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बोलने के लिए वो अजय माकन से मिलने दिल्ली भी पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत ने जिस तरह जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है, इसको लेकर के इन कई और भी कई मुद्दों को लेकर के सचिन पायलट है वो अजय माकन से मिलने दिल्ली पहुंच गए। दो दिन पहले ही अजय माकन जयपुर से दिल्ली गए थे, लेकिन पीछे से इस तरह सचिन पायलट का जाना ये कहीं ना कहीं तय कर रहा है कि कोई ना कोई रणनीति अजय माकन और सचिन पायलट के बीच में जरूर पक रही है। सचिन पायलट अशोक गहलोत की तानाशाही को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट इस तानाशाही को बर्दाश्त कर रहे हैं उससे ये तो साफ हो चुका है कि सचिन पायलट अब कुछ बड़ा राजस्थान में करने वाले हैं। और वैसे भी सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलकर के सचिन पायलट ने कई तरह की मांगे उनके सामने रखी थी और अब सोनिया गांधी तक सचिन पायलट के समर्थकों ने मैसेज पहुंचा दिया है कि राजस्थान की सीएम गद्दी में बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो राजस्थान में कांग्रेस जीरो होगी, कांग्रेस का पतन होना तय है। राहुल गांधी भी अब पायलट से कई बार बातचीत कर चुकी हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी भी कोई अलग से फैसला है वो अजय माकन की इस फीडबैक रिपोर्ट के बाद दे सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अजय माकन से स्पेशली अशोक गहलोत ने मुलाकात करके अजय माकन को एक वो संदेश दे दिया जिसमें अशोक गहलोत की सीएम गद्दी उनके पास बची रहे। लेकिन अशोक गहलोत की तानाशाही को देखते हुए बिजली बिल के मुद्दों को लेकर के और भी अशोक गहलोत के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के एमबीसी के आरक्षण को लेकर के किसान कर्ज माफी पर और इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते पर इस तरह से अब पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया तो अशोक गहलोत पूरी तरह से हड़काए हुए हैं। अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत मजबूर कर रहे हैं पायलट को भी राजस्थान कांग्रेस से दूर हो जाएं। लेकिन यह तो तय हो चुका है कि सचिन पायलट की वापसी के बाद कई और गहलोत गुट के विधायक हैं वो सचिन पायलट के साथ आए हैं। 19 विधायक ये खुद थे, 3 इनके साथ निर्दलीय थे और 6-7 विधायक दिव्या मदेरना जैसे जो गहलोत से नाराज चलने वाले विधायक हैं वो सचिन पायलट गुट में पहुंच चुके हैं। और पायलट की वापसी के बाद अशोक गहलोत को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि पायलट कैंप की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, इसी कारण अब पायलट कैंप के विधायक और मानेसर जो गए थे या फिर गहलोत के साथ जो नाराज विधायक थे उन सभी से अशोक गहलोत ने एक एक करके मुलाकात करनी शुरू कर दी है। और अब अशोक गहलोत ने उन विधायकों को कहना शुरू कर दिया है कि पायलट की दुकान अब बंद हो चुकी है, पायलट की दुकान में कोई सामान नहीं बचा है, हम राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हैं इसलिए आप हमारे कैंप में आइए, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब सचिन पायलट कैंप को तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही है। और जिस तरह सचिन पायलट के पास खोने के लिए कुछ नहीं है उसी तरह से बीजेपी में भी वसुंधरा के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। और यही कारण रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक प्रोग्राम बनाया था कि धार्मिक यात्रा के तहत पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर भ्रमण किया जाए। कहीं ना कहीं वसुंधरा भी जनता जनार्दन की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा ने गहलोत के साथ नजदीकियां बढ़ाई है उसके बाद राजस्थान की जनता ने वसुंधरा को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अब वसुंधरा का विरोध भी राजस्थान में जगह जगह हो रहा है, लेकिन वसुंधरा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर एक स्पेशल कार्यक्रम धौलपुर में रखने का जो निर्णय लिया है इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुश करना चाहती है और वो चाह रही है कि राजस्थान बीजेपी की कमान उनके हाथ में दोबारा सौंप दी जाए, यानी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब वसुंधरा राजे सिंधिया देख रही है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत के साथ नजदीकियां वसुंधरा ने बढ़ाई थी उसके बाद बीजेपी ने वसुंधरा को अलग थलग कर दिया। वसुंधरा को किसी तरह का भाव ना ही तो बीजेपी राजस्थान के नेताओं ने दिया और ना ही जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने दिया। ऐसे में कह सकते हैं कि अब बीजेपी ने भी वसुंधरा को अलग थलग करके छोड़ दिया है। वसुंधरा भी अब जनता जनार्दन के बीच में पहुंच करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश जरूर करेगी और अशोक गहलोत भी वसुंधरा गुट के जो विधायक हैं उनके दम पर एक तरह से पायलट को राजस्थान कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को विश्वास है कि वसुंधरा गुट के सभी विधायक
विधायक अशोक गहलोत की सरकार बचाए रखेंगे। और इसी कारण वसुंधरा का बंगला बचाने के लिए अशोक गहलोत ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी सत्ता पर बैठेगा। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी को पायलट समर्थकों द्वारा एक मैसेज भेजा गया है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत रखना है, कांग्रेस को बनाए रखना है, तो आपको सचिन पायलट को सीएम गद्दी पर बैठाना ही होगा, वरना कांग्रेस का पतन होना तय है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मनमुटाव को लेकर के अभी भी कोई मसला जो हल है वो नहीं हुआ है। ऐसे में अजय माकन ने भी 2-4 दिन के दौरे में एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार की है और उस फीडबैक रिपोर्ट में एक तरह से अशोक गहलोत को जगह काफी ज्यादा दी गई है। इस तरह की खबरें राजनीति के गलियारों से आ रही है। अब कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी अशोक गहलोत को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से तो बड़ा प्रोग्राम किया ही जाएगा। इसके साथ ही सचिन पायलट कैंप को लेकर के भी अब सरगर्मियां तेज हो चुकी है कि क्या पीएम मोदी के जन्म दिवस पर सचिन पायलट कैंप बीजेपी का दामन थाम लेंगे। कुल मिलाकर के अब सचिन पायलट खुल करके अशोक गहलोत के खिलाफ आ चुके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। अजय माकन से मुलाकात करके सचिन पायलट ने गहलोत की शिकायत भी कर डाली है और साथ ही ये जिला प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं इसको लेकर के भी इन मुद्दों पर भी कई तरह की बातचीत माकन और पायलट के बीच में हो चुकी है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से सीएम गद्दी पायलट को सौंपी जा सकती है या फिर पायलट कैंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर बीजेपी का दामन थाम लेगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।